zone, has taken it. Welcome back, ladies and gentlemen, to yet another episode of Cricket Mehfil. I'm your host, Behram Kazi. And we've got a lot of requests for you that you can show us in Urdu. And you know, we are all about the fans. So we said, let's see this too. Today, let's try to get a little Mehfil. With me, of course, Nawab Hasan Hussain Qureshi, Grassroots Cricket's very own. Hasan, how are you? बिल्कुल बहराम, और हमेशा की तरह जिस तरह आपने कहा, फैंस की जो भी ख्वाहिश होती है, जो भी उनकी रिक्वेस्ट होती है, तो उसकी कोशिश करते हैं. और बिल्कुल क्यों ना इसको उर्दू में करें, और आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे. और जैसे बहराम ने कहा, क्रिकेट की महफिल सजाते हैं आज. जी बिल्कुल. और सीधा मौजू पे आते हैं आज के. हसन भाई, ऑफ कोर्स पाकिस्तान का टूर आने वाला है टू द नेदरलैंड्स. पाकिस्तान इज सेट टू प्ले 3 ODIs इन द नेदरलैंड्स. और इस 3-match ODI सीरीज की जो स्क्वाड सिलेक्ट हुई है, जरा मैं उस पे आपसे बात करना चाहता हूँ. आपको सारे पाकिस्तान के फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर्स इसमें नजर आएंगे. यू हैव बाबर आजम, इमाम उल हक, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, इवन शाहीन शाह अफरीदी. हालांकि उनको अभी इंजरी है, वो एक इंजरी नर्स कर रहे हैं, मगर सुनने में ये आया है कि वो रिहैब के लिए टूर पे होंगे और वो कोई मैच नहीं खेलेंगे. मगर फिर हसन भाई, ये रिहैब तो आपका NCA में भी हो सकता था, किसी और को भी मौका दिया जा सकता था शाहीन की जगह. बिल्कुल बिल्कुल. और इस पे बड़े लोगों ने तनकीद की कि क्या शाहीन को लिए ट्रैवल वो मसला नहीं होगा कि वो नेदरलैंड्स तक ट्रैवल करेंगे, वापस आएंगे. हमने जो PCB से सुना था, उन्होंने ये कहा था कि वो टीम के फिजियो के साथ अपना रिहैब जो है करना चाहते हैं, तो उसमें कोई वो बदलाव नहीं लाना चाहते. तो एक तरह से उसको देखा जा सकता है. हम तो सब यही दुआ कर रहे थे कि शाहीन को इस सीरीज से रेस्ट किया जाए. शायद हमारी थिंकिंग में ये था, सोच में था कि शायद वो घर पे थोड़ा सा टाइम गुजार सके फैमिली के साथ. बट अगर उनको भी लगता है और PCB की मेडिकल टीम को भी लगता है कि उनका वहां पे होना उनकी बेहतरी के लिए अच्छा है, तो ठीक है, बेशक हमें जरूर किसी और को चांस देना चाहिए. क्योंकि अब पाकिस्तान और वनडे क्रिकेट, बहराम, कुछ अरसे से बड़ा अजीब सा सिस्टम चल रहा है. हम बिल्कुल ही कोई वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे. और हमने जो आखिरी सीरीज खेली थी मुल्तान में, उसमें हमने बड़ी एक्साइटिंग और अच्छी क्रिकेट हमारी तरफ से तो देखी, और उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. पर अब हम इसके बाद भी इतनी ज्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेल रहे, हमारा ज्यादातर फोकस T20 पे होगा. तो शायद ये एक मौका था, जिस तरह आपने कहा कि हम कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकें. बट अभी वो नहीं लग रहा. हमने देखा है कि ज्यादातर टीम वही है जो कि हमारी पहली 11 है, हमारे ज्यादातर रेगुलर खिलाड़ी हैं. तो क्या उसमें हम कोई चेंजेस देखेंगे, वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि उसको टीम मैनेजमेंट कैसे अप्रोच करेगी. जी, आपने बात की जैसे हमारी पूरी फर्स्ट स्ट्रिंग टीम जो है वो टूर करेगी नेदरलैंड्स का. तो जैसे सब ये कह रहे हैं, तनकीद भी आ रही है कि ये एक बहुत ऑपर्टून मोमेंट था टू ट्राई आउट सम न्यू फेसेस, सम फ्रेश लेग्स, क्योंकि इस तरह की सीरीज आपको अक्सर मिलती नहीं है. ODI क्रिकेट आप ज्यादा खेल नहीं रहे. एंड नेदरलैंड्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल एसोसिएट साइड्स, दे आर नॉट अ टॉप ड्रॉअर टीम. तो यहाँ पे आपके पास मौका अच्छा था शायद शान मसूद को आजमाने का. और फिर आपके पास साउद शकील थे जो एक इनिंग्स बिल्डर है, और उस तरह के कुछ प्लेयर्स की शायद पाकिस्तान को जरूरत पड़े, क्योंकि मिडिल ऑर्डर का मसला आ रहा है. एंड डायरेक्टली आप रिजवान से सीधा खुशदिल पे जब जाते हैं, तो वो एक इनिंग्स बिल्डर की कमी डेफिनेटली महसूस होती है. एंड साउद शकील आई थॉट वाज क्वाइट डीसेंट इन द फ्यू गेम्स दैट ही डिड गेट इन ODI क्रिकेट. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये दो बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज हैं. शान मसूद की फॉर्म पे हम कैश नहीं कर पाएंगे, अब तो ये डिसाइड हो गया है. और साउथ शकील की जहां तक बात है, तो मेरे नहीं हिसाब से इससे बेहतर पाकिस्तान को सीरीज मिलनी थी टू ट्राई हिम आउट इन द मिडल ऑर्डर. बिल्कुल बहराम. और देखें, शान के बारे में मैं ये कहूंगा कि स्पेशली जब आपके ओपनर्स इतनी अच्छी फॉर्म में हैं और सेट हैं, आई नो कि उनका खेलना बहुत जरूरी है. इंशाल्लाह हम सब की ये दुआ है कि इमाम कंटिन्यू करें अपनी फॉर्म, बिकॉज वो इस वक्त एक रिकॉर्ड रन के बीच में है. तो जब आपके ओपनर्स इतनी अच्छी फॉर्म में हैं, बट आपके पास उनका बैकअप क्या है? खुदा ना खास्ता कल को इमाम इंजर्ड होते हैं, फखर इंजर्ड होते हैं, आपने अपने बैकआउट्स को ट्राई नहीं किया. ये बड़ा अपॉर्चून टाइम था, बड़ी एक जबरदस्त मौका था शान को अपॉर्चुनिटी देने का. उन्होंने जाते ही अपने पहले रिश्ते मैच में डाबिशर के लिए भी टॉप स्कोर किया. वो इतनी अच्छी फॉर्म में रहने के बावजूद टेस्ट मैचेस में भी हमने उनको नहीं खिलाया, ठीक है, वो बात समझ आ गई. इंग्लैंड में ही खेल रहे हैं तो उनके लिए आना जाना भी इतना मुश्किल ना होता, तो आप उनको यहाँ यूज कर सकते थे. बेशक आप उनको एक या दो मैचेस देते, फखर और इमाम दोनों के साथ आपको पता चल जाता. और वही बात आ जाती है कि जी आसान अपोनेंट्स के खिलाफ आपको क्या पता चलेगा. तो भाई अपोनेंट्स तो अपने आपको कोई भी किसी भी टाइम पे मिल सकता है. आपने प्लेयर का माइंडसेट देखना होता है, उनके तौर तरीके देखने होते हैं. एक वो साउथ की आपने बिल्कुल सही बात की, साउथ हमें एक इशू आ रहा है. रिजवान इस वक्त टेस्ट क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की एक बहुत अहम खिलाड़ी है बल्ले के साथ, बट वनडे क्रिकेट में उनको अपना रोल ही नहीं समझ आ रहा. क्योंकि जो वो T20 क्रिकेट में ओपनिंग में करते हैं वो वहां नहीं कर सकते, जो वो टेस्ट क्रिकेट में लोअर डाउन दी ऑर्डर आके करते हैं, तो वो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई. और आपके पास बहराम
एक कमी नजर आ रही है एक ऐसे नंबर फोर की जो हम मॉडर्न क्रिकेट में देखते हैं। जिस तरह की हमने माजी में ही वनडे क्रिकेट के मैचेस देखे जिसमें साउथ अफ्रीका हो गई, इंडिया हो गई, इस वक्त वेस्ट इंडीज क्रिकेट खेल रहा है, इंग्लैंड के, हमें सबको एक एक्सप्लोसिवनेस जो उनकी गेम में नजर आ रही है वो हमारी गेम में मिसिंग है। और सारा प्रेशर है कि हाँ जी आखिरी 10 ओवरों में, आखिरी 5 ओवरों में खुशदिल आके कर लेंगे या शादाब आके कर लेंगे। और एक और कंसर्न मैं रेज करना चाहूंगा, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त वो प्लेयर नहीं नजर आ रहा जो कि हमारे लिए एक वो गेम चेंजिंग ऑलराउंडर बन सकता है, जो बल्ले और गेंद दोनों के साथ टीम में अपनी जगह बनाए। आई नो शादाब है, बट कहां हमारे वो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं? हम जैसों ने जिन्होंने पहले की क्रिकेट देखी है, एक जमाना था जब हमारे बैटिंग ऑर्डर में अब्दुल रजाक 3 पे आते थे, अजहर महमूद 5 पे आते थे, फिर आपके पास वसीम अकरम थे, और माजी में ही हमने बड़ी कोशिश की। तो वो एक इशू है बैराम, स्पेशली कंसिडरिंग कि वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा, ऐसा एक खिलाड़ी जो आपको रन भी दे सकता है, विकेट्स भी ला सकता है, तो वो कुछ वीकनेसेस नजर आ रही है। अब लोगों का कहना है कि वर्ल्ड कप बड़ा दूर है, भाई एक साल दूर है, इतने भी कोई आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप तब तक एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो क्या होगा? तो थोड़ी सी आप कह लें कि लैक ऑफ क्लैरिटी है, जिसको आई होप हम जल्द अज जल्द, जिस तरह हम T20 में बड़े क्लियर हैं और टेस्ट क्रिकेट में भी हम कुछ हद तक क्लियर हैं, तो शान और साउथ का ना होना और एक ऐसे ऑलराउंडर की ऑप्शन, बेशक हम उनको ना खिलाएं, ना होना, आई थिंक ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है। बिल्कुल हसन भाई, और आपने जिक्र किया मोहम्मद रिजवान का, और ओडीआई क्रिकेट में वो उस तरह की प्रोलिफिक रन स्कोरिंग नहीं कर पाए जैसे कि वो टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कर पाए हैं। और आई थिंक इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, बिकॉज ही स्लॉटेड इनटू दैट नंबर फोर पोजीशन एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन की तरह। क्या हम रिजवान को लॉन्ग टर्म नंबर फोर देखना चाह रहे हैं? क्या हम इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे उसके अंदर हमने रिजवान को ईयरमार्क किया हुआ है फॉर द नंबर फोर पोजीशन? ये कुछ सवाल हैं जिनके अभी हमें सही तरह जवाब नहीं मिले। और फिर मिडिल ऑर्डर में आपके पास जो सारे प्लेयर्स आते रहे हैं, वी हैव चॉप्ड एंड चेंज। खुशदिल शाह ने अपनी कुछ हद तक जगह बना ली है, मगर इफ्तिखार अहमद आए वो गए, हैदर अली आए वो गए, हुसैन तलत बीच में आए वो गए, अब आपके पास आगा सलमान है जिनको आपने सिलेक्ट किया दोबारा से, वो पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में, बट ही इज अनकैप्ड। और साथ आपके पास अब्दुल्ला शफीक भी हैं अनकैप्ड, जिनको शायद ये सोच रहे हो मिडिल ऑर्डर में खिलाने के लिए। मेरे हिसाब से अगर किसी को ट्राई करना ही है, इफ यू वॉन्ट टू टेक अ पंट ऑन समवन, देन टेक इट ऑन अब्दुल्ला शफीक, बिकॉज ही हैड अ स्टेलर ईयर विद द बैट इन टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल बिल्कुल, और आप देखें बैराम, इस वक्त हमारा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ना सिर्फ रिजवान की पोजीशन, हमारा बैटिंग ऑर्डर बहुत टॉप हैवी है। हम अगर खुदा ना खास्ता फखर और इमाम और बाबर, जो कि इस वक्त वनडे क्रिकेट के दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं और आपके कप्तान भी हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर है कि उन्होंने और इमाम ने, अच्छा अब लोगों को उनके स्ट्राइक रेट से भी मसले हैं जी भाई, उन्होंने अब आपके लिए अगर एक प्लेटफॉर्म सेट करनी है कि 40वें ओवर तक दोनों खेल के आपको 220 तक ले जाते हैं, और फिर आप आखिरी 10 ओवरों में, आपके पास खुशदिल के अलावा कोई है ही नहीं। आपने ना तो इतना बड़ा, जैसे आपने कहा, इफ्तिखार को अपॉर्चुनिटी दी, जिनका पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में वनडे रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है, वो खैबर पख्तूनख्वा के कप्तान है, उनकी टीम हर टूर्नामेंट जीतती है, बार बार सिर्फ उनकी टीम जीतती है, वो किसी और को चांस भी नहीं देते। आपने नहीं ट्राई किया कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जैसे शादाब को प्रमोट करना, आपने जिस तरह आपने बात की साउथ जैसे प्लेयर्स जो इनिंग्स बिल्ड कर सकते हैं, तो अब ये आपके पास एक सुनहरी मौका है नंबर फोर पे। बट क्या फिर आप रिजवान को कहां खिलाते हैं? क्योंकि देखें, अगर हम रिजवान को एज अ लोअर ऑर्डर हिटर देखें, तो हत्या के वहां पे हारिस भी इतना नहीं खेले, बट हारिस एक ऐसे प्लेयर हैं, 360 टाइप प्लेयर हैं, जो शायद लोअर ऑर्डर में आके रन्स बना सके। आसिफ अली का हमने कहीं नाम नहीं देखा पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में, उन्होंने T20 क्रिकेट में तो उन्होंने बड़े धमाके मचाए और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी। तो क्या हमारी ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें वरिंगली बैराम कोई क्लैरिटी नहीं नजर आ रही? और ये देखें, हर वनडे मैच एक मौका है आपके लिए एक नई कॉम्बिनेशन ट्राई करने का, एक नई चीज ट्राई करने का। आप आगा सलमान को अगर ट्राई कर रहे हैं तो उनको क्या रोल दे रहे हैं? एक चीज जो मुझे पसंद आई कि हमने, शुक्र है, उनके 3 मैचेस के बाद जिसमें उनकी कारकर्दगी बिल्कुल कोई इतनी हमें देखने को नहीं मिली, हारिस को नहीं ड्रॉप किया। अब क्या आप हारिस को 4 पे खिला के वो अपॉर्चुनिटी देते हैं? क्योंकि बाबर को सपोर्ट की जरूरत भी है। आप देखें, अगर बाबर और इमाम बिल्कुल एंड तक खड़े हैं और उनमें से कोई आउट होता है और आपके पास 5 से 7 ओवर पड़े हैं, तो क्या आप उसी तरह जाते हैं जो आपका ऑर्डर है, या आप वो सही चीज करते हैं कि नहीं, अब खुशदिल को प्रमोट करना चाहिए? बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा खुशी थी कि हसन अली ड्रॉप हो चुके हैं, बट देखिए, हसन एज ए लोअर ऑर्डर बैट्समैन कम से कम मारने की एबिलिटी तो रखते हैं। अभी आपके लोअर ऑर्डर बैट्समैन में 8 और बिलो में कौन है वो खिलाड़ी जो आके रन्स बना सकते हैं? हम एक लंबी टेल नहीं अफोर्ड कर सकते बैराम, बिकॉज किसी भी बुरे दिन पे अगर आपके पहले 5-6 बैट्समैन ज्यादा रन नहीं बनाते तो बहुत प्रेशर आ जाता है। दूसरी टीमों को हम देख रहे हैं, उनके 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करने वाले खिलाड़ी भी जो है वो भी रन्स बना रहे हैं। तो ये चीजें हमें जल्द एज जल्द एड्रेस करनी पड़ेंगी, इनके हल ढूंढने पड़ेंगे, नहीं तो वर्ल्ड कप में जाते हुए ये हमारे लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है।
यकीनन ऐसा ही है हसन भाई, और आपने बात की कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा टॉप हैवी है, आई मीन द स्टेटिस्टिक्स विल प्रूव यू जस्ट दैट। अगर आप देख लें सिर्फ कि कितने ज्यादा रन हमारे टॉप थ्री ने स्कोर किए हैं पिछले कुछ 5 सालों में, इमाम, फखर एंड बाबर, अगर ये तीन फेल करते हैं तो फिर हु विल कम एंड स्टेडी द शिप, कौन इनिंग्स को आगे लेकर बढ़ेगा। हिटर्स तो आपके पास कुछ हैं, बट यू कैंट एक्सपेक्ट कि आपके पिंच हिटर्स जो हैं वो आकर इनिंग्स भी बिल्ड करेंगे। इसलिए मेरे ख्याल से टीम में कुछ अच्छा मिक्स नजर आना चाहिए। मुझे काफी खुशी होगी अगर अब्दुल्ला शफीक को डेब्यू दिया जाए यहाँ पे, मगर फिर वही वाली बात आ जाती कि कहाँ पे खिलाएंगे उनको। अगर तो बाबर, फखर, इमाम और रिजवान से परफॉर्म नहीं होता ऊपर, देन आई डू थिंक कि अब शायद वो वक्त आ गया कि शादाब खान को एक फ्लोटिंग पोजिशन में देखा जाए, वो फ्लोटर बनकर ऊपर आ जाए, मैन इन क्राइसिस बन सके, क्योंकि वो ये काबिलियत रखते हैं कि वो एक इनिंग्स को बिल्ड कर सकें और एंड में फिर जाकर उनसे फायरवर्क्स भी नजर आते हैं। ये हमने देखा भी है अभी इन दैट थर्ड ओडीआई वर्सेस द वेस्ट इंडीज इन मुल्तान। तो ये कुछ सवाल हैं जो पाकिस्तान टीम को इनके जवाब ढूंढने पड़ेंगे, और काफी कनंड्रम सा हुआ हुआ है मिडिल ऑर्डर बहुत अरसे से। अब कहां हम बड़े होते थे टॉप ऑर्डर की फिक्र करते हुए, अब जो है मिडिल ऑर्डर हमारे गले लग गया है। हालांकि क्या ग्रेट्स बनाए पाकिस्तान ने मिडिल ऑर्डर में ओवर द ईयर्स, बट यस बैटिंग ऑर्डर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। और फिर क्या आप अपने सारे फर्स्ट स्ट्रिंग प्लेयर्स को खिलाना चाहेंगे सारे मैचेस इस सीरीज में? आई वुडंट डू दैट, क्योंकि हसन भाई आप देख रहे हैं कितना ज्यादा क्रिकेट कैलेंडर जो है वो कॉन्वोल्यूट हो गया है, वो कंडेंस हो गया है, और इसका असर हमें नजर आ रहा है क्रिकेटर्स में। ट्रेंट बोल्ट जस्ट कॉल्ड इट क्विट्स ऑन हिज न्यूजीलैंड करियर, इवन दो उन्हें रिटायर नहीं किया, मगर उनने अपने आप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूर कर दिया, इट्स बीन टर्मिनेटेड, और अब वो गिने चुने मैच खेलेंगे न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए। और जो सारी लीग्स आ रही हैं, दिस प्लेथरा ऑफ लीग्स, द इंटरनेशनल T20 लीग इन द UAE, साउथ अफ्रीका की लीग, सारे जिनके इन्वेस्टर्स IPL क्लब्स वाले हैं, तो ये एक बिल्कुल शिफ्ट नजर आ रहा है। वर्ल्ड क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, वी आर एट अ ब्रेकिंग पॉइंट, और हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा PCB को कि किस तरह उनने इंश्योर करना है कि जो स्क्वाड्स पाकिस्तान के लिए पिक होती हैं उनमें हमारे बेस्ट प्लेयर्स आएं बड़ी सीरीज के लिए, एंड एट द सेम टाइम बीच में इनको विंडोज मिलें कि ये एक दो लीग्स जाकर मॉनेटरी गेन्स भी कर पाएं अपनी। बिल्कुल बहराम, देखें अगर आप ट्रेंट बोल्ट की पोजीशन में हैं, तो उन्होंने ये बताया कि उनकी यंग फैमिली है, ठीक है, टूरिंग बड़ा मुश्किल होता है। अब आप देखें कि उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, और न्यूजीलैंड हम जानते हैं कि न्यूजीलैंड में क्रिकेट जो है उनकी मेन स्पोर्ट नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है, अच्छी कमाई है। अब अगर वो एक इंटरनेशनल लीग T20 खेलते हैं और वो IPL तो ऑलरेडी खेल रहे हैं, और उसके ऊपर वो एक बिग बैश ऐड कर देते हैं और इंग्लैंड में द 100 या T20 ब्लास्ट खेल रहे हैं, वो साल में उन्होंने 4 टूर्नामेंट्स खेली हैं, उससे वो दुगना पैसा बनाएंगे जो वो न्यूजीलैंड के लिए 11 महीने खेलते हुए बनाएंगे। और उनके पास ये मौके भी होंगे कि अपनी फैमिली को वो ऑस्ट्रेलिया भी ले जाए साथ, अपनी फैमिली को वो दुबई भी लेके चले जाए साथ, और अपनी फैमिली को वो गर्मियों में इंग्लैंड भी ले जाए। देखें प्लेयर्स के लिए भी हमने अब एक पॉइंट आ गया है कि प्लेयर्स को पुश किया जा रहा है। अब अगर आप ऑलरेडी इतना आपका एक कैलेंडर है जिसमें हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक तो खेल रहे हैं, हम यहां बैठे कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस नहीं मिल रहे, अब अगर सारे मुल्कों के सारे अच्छे प्लेयर्स लीग्स खेल रहे होंगे तो खेलेगा कौन पीछे? तो बिल्कुल क्रिकेट एक, जिस तरह आपने कहा, एक ब्रेकिंग पॉइंट के पास अब आ गया कि आपको प्लेयर्स को किस तरह हैंडल करना है कि वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी जायज रहे और अपने लिए भी कुछ, क्योंकि देखें करियर का कोई पता नहीं होता, आपकी एक गेम की एक इंजरी से आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है, और फिर आप अपने लिए सोच रहे होते हो कि यार मैंने वो मौका क्यों नहीं लिया। हर कोई चाहता है बहराम, हर खिलाड़ी चाहता है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि उनको एक ऐसा मौका मिले कि वो अपनी फैमिली, हम लड़कों को देखते हैं जो PSL खेल के अपने घर वालों के हालात है वो बदल देते हैं हमेशा, क्योंकि तो वो क्यों ना चाहे कि वो कैरेबियन प्रीमियर लीग या इंटरनेशनल लीग वगैरह खेलें जिससे उनके खानदान को आगे जाके फायदा हो सकता है, ठीक है ना जी। तो ये बिल्कुल हमारे लिए बड़ा जरूरी है, इसको किस तरह प्लान करें, किस तरह हम अपने प्लेयर्स को इजाजत दें कि वो कौन से लीग्स में जिस तरह हिस्सा लें, ताकि उनको कोई ये इशू भी ना हो कि वो मिस आउट करें, बट ये इशू भी ना हो कि उनको इंजरी हो जाए या वो पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए ना अवेलेबल हो। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और दुनिया की क्रिकेट के लिए, और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, मुझे किसी भी लीग किसी भी मुल्क के एडमिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैं बार बार रिस्पेक्टेड एक्स क्रिकेटर्स को सुनता हूं, जैसे कि इंडिया के साबिक कोच है रवि शास्त्री, जो कह रहे हैं कि जी हम IPL साल में 2 दफा देख सकते हैं और हम फुटबॉल स्टाइल देख सकते हैं, देखिए जी बिल्कुल आप सब देख सकते हैं, आपको हर चीज की इजाजत है, बट क्रिकेट पहले दिन से लेके आज तक एक बैन अलगवामी खेल रहा है, ठीक है ना जी। जो इंडिया पाकिस्तान की बात है मैच में, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की बात है मैच में, वो कभी भी कहीं भी आपको किसी भी लीग में नहीं नजर आएगी। बैन अलगवामी गेम को वहां पे रहना चाहिए और लीग्स को इस तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो बैन अलगवामी क्रिकेट के फायदे के लिए हो, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे।
बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी हसन भाई। और आपने रवि शास्त्री का नाम लिया, तो जैसे ये ट्रेंट बोल्ट वाला फैसला आया था, मेरे सर में और कानों में गूंज रही थी रवि शास्त्री की आवाज के, यू नो लाइक द फुटबॉल मॉडल, जिस तरह वो कई अपने इंटरव्यूज में कह चुके हैं। और मुझे तो सही से नींद भी नहीं आई, क्योंकि देखिए हसन भाई, आइडियलिज्म ऑन वन साइड, चाहते तो हम सब यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बेहतर से बेहतर हो और ज्यादा कंपेटिटिव हो, मगर जो रियलिटी है वो इससे काफी फर्क नजर आ रही है, खासी फर्क नजर आ रही है विद ऑल ऑफ दीज न्यू लीग्स कमिंग इन। और अभी जब ये सारी लीग्स आ जाएंगी, अभी आपने देखा डेविड वार्नर की भी कुछ खटपट चल रही थी एसीबी के साथ, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से मुझे ये तो डर नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को अबैंडन कर लीग्स खेलने लग जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम नेशनल टीम की तरफ ही फोकस करना चाहते हैं। मगर फिर उनकी भी बैंक बैलेंस का तो हमें सोचना चाहिए, हमें ये इंश्योर करना चाहिए पीसीबी को कि एक से दो या शायद इवन थ्री लीग्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो हैं वो खेल सकें, ताकि वो वहां पे भी रिप्रेजेंट कर सकें अपनी कंट्री को, अच्छे पैसे भी बना सकें और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी हों। मगर इसको अचीव करने के लिए यू हैव टू रेस्ट योर प्लेयर्स इन सीरीज लाइक दीज। अब नेदरलैंड्स के टूर पे पूरी फुल स्क्वाड सिलेक्ट करने की मुझे तो इतनी समझ नहीं आई। एक मेरे दिमाग में काउंटर नैरेटिव आता है और वही आपकी वो वाली बात है कि ओडीआई क्रिकेट वैसे ही पाकिस्तान ज्यादा नहीं खेल रहा। अभी इस सीरीज के बाद हम पता नहीं कहीं दूर जाकर न्यूजीलैंड से एक ओडीआई सीरीज खेलेंगे और वर्ल्ड कप मुंह पे आया खड़ा होगा उस टाइम पे। सो मे बी वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाह रहे या शायद कोई नए कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाह रहे हैं, मगर इस सीरीज में इन पर्टिकुलर मैं देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान कुछ नए चेहरों को मौका दे, खासतौर पर नसीम शाह। अगर आपने उनको अब व्हाइट बॉल क्रिकेट में सेलेक्ट किया है, देन हैंड हिम हिज डेब्यू, ट्राई आउट करें आप नसीम शाह को पूरी तरीके से, शाहनवाज दहानी को और गेम्स दें, इस तरह के जो फ्रिंज प्लेयर्स हैं जो कुछ देर से टीम के साथ हैं इन वन फॉर्मेट और अनदर, अब उनका टाइम है, उनको ये पूरी पूरी सीरीज मिलनी चाहिए, विच इज वाई आई एम सो सैड कि शान मसूद और साउथ शकील दोनों मिस आउट कर गए इस सीरीज पे। बिल्कुल बहराम, मैं बिल्कुल आपकी बात से अग्री करूंगा कि ये हमारे पास एक सुनहरी मौका था जिसको हमने चले नहीं यूज किया। नसीम का वहां पे होना बड़ी अच्छी बात है, हमें उन्हें बिल्कुल मौका देना चाहिए तीनों मैचेस में। आप ही की बात पे कि हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम भेज रहे हैं, हमने इंग्लैंड को देखा, आई थिंक आप उसको इंग्लैंड की सी टीम भी नहीं कहेंगे, और उन्होंने नेदरलैंड के खिलाफ बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली, बहुत बल्कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेली कि उसके बाद से वो खेल ही नहीं सके दोनों सीरीज घर पे इंडिया और उसके बाद घर पे ना साउथ अफ्रीका को हरा सके ना इंडिया को हरा सके, तो शायद उससे उनको कोई दिक्कत पहुंची। तो हमारे पास ये मौका है नसीम को ट्राई करने का, शाहनवाज दहानी को जिन्होंने अपना डेब्यू अपने होम स्टेडियम मुल्तान में किया, फिर मोहम्मद वसीम को हमें ट्राई करना चाहिए। और हमें देखें बात वही आ जाती है बैराम, इन प्लेयर्स को इनके रोल्स में ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अभी भी बड़े लोग हैं जो मानते हैं कि हम जब हारिस रऊफ की एज ए टेस्ट क्रिकेटर बात करते हैं तो उनको हैरानगी लगती है, मैंने तो हारिस को लिस्ट ए क्रिकेट में इतना नहीं खेलते हुए देखा, तो उनको आपने किस तरह यूज करना है, आपने उनको किस तरह इस्तेमाल करना है, जो आपका प्लान उनके लिए वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड कप आपका उन कंडीशंस में होगा जहां पे आपको शायद इतने फास्ट बॉलर्स की जरूरत ही नहीं होगी अगर हम ऑनेस्टली देखें, तो क्या हम उस सिचुएशन में ये ना हो कि जी हम अपनी प्लानिंग में फास्ट बॉलर्स खिलाए जाए और वर्ल्ड कप में हमें चार स्पिनर्स खिलाने पड़े, तो लॉन्ग टर्म सिचुएशन देखनी चाहिए, बिकॉज अगेन प्लेयर्स के लिए जो आप एक सिस्टम सेट कर रहे हैं वो उनको पता हो, जैसे आपने कहा कि जी आपके हर प्लेयर को पता हो उसका टीम में क्या रोल है। और बिल्कुल मैं आपकी बात से वहां भी एग्री करूंगा कि शादाब को यूज करना, उनको एक फ्रीडम देना कि आप जाके इनिंग्स बना लें, आप और खुशदिल अटैक करें, अगर हम ऐसी सिचुएशन में है रिजवान के रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। रिजवान इस वक्त वनडे क्रिकेट में बिल्कुल हम वो वाला रिजवान नहीं देख रहे जो हमें T20 क्रिकेट में नजर आता है, जहां वो अपनी फ्रेंचाइज और अपने मुल्क के लिए बिल्कुल उसी तरह खेलते हैं, या हमें वो रिजवान नजर आता है जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में उस तरह खेलते हैं, या उनके रोल को डिफाइन करें या ये छोड़ दें कि जी देखें दुनिया में आपको शायद इस वक्त मेरे से बड़ा मोहम्मद रिजवान फैन नहीं मिलेगा, मेरी तो टीम के वो कप्तान भी हैं बट मुझे वनडे क्रिकेट में उनकी समझ नहीं आ रही, एंड आई थिंक उनके साथ ज्यादती है और पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती है और हारिस के साथ ज्यादती है कि हमें वो क्लैरिटी नहीं। अब देखें ना मैडम, एक स्क्वाड अगर आप टेक्निकली देखें तो आपके पास पहले चार पांच में तमाम ओपनर्स हैं, आपके पास इमाम है, फखर है, बाबर भी ओपन कर सकते हैं, रिजवान है और अब्दुल्ला है, अब आप इनको पांच लोगों को जरूर आपने वहां उसके अंदर घुसाना है, आपको देखना पड़ेगा साउथ को, शान को, ऐसे खिलाड़ियों को जो अपनी लिस्ट है क्रिकेट में तीन चार या पांच पे रेगुलर बैटिंग करते हैं और उनको चांस देना चाहिए। आई थिंक यहाँ पे हमने एक ट्रिक मिस कर दी है कि जो पाकिस्तान के सबसे सक्सेसफुल लिस्ट है क्रिकेट में नंबर फाइव और फोर है, इफ्तिखार हो गए या आपके पास कोई और हो गए, हमें उन्हें लेके जाना चाहिए था और मौका देना चाहिए था कि वो कैसे ट्रांसलेट होता है इंटरनेशनल क्रिकेट।
जी बिल्कुल हसन भाई, और मेरे बस की बात होती तो मैं तो शायद बाबर को लेकर ही ना जाता इस टूर पे। आई वुड हैव टोल्ड शादाब खान टू लीड द साइड इन ऑल थ्री ऑफ दोज ओडीआईज। मगर अब जो स्क्वाड सिलेक्ट हो गई है उसी के साथ हमें कुछ करना पड़ेगा, और जीत तो जाएगी पाकिस्तान, बट आई थिंक जो फियर ऑफ फेलियर है उसको इन तरह की सिचुएशन में ओवरकम करना है। व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन? आपकी टीम एक ओडीआई हार जाएगी नेदरलैंड से, सीरीज नहीं हारेगी आपकी टीम नेदरलैंड के खिलाफ, आप जॉन सी बी टीम सिलेक्ट करके चले जाएं, और ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। मगर चलें, अब हम उम्मीद करते हैं बाबर आजम 300 लगा दें इन तीन ओडीआईज में, यही उम्मीद कर सकते हैं। और ओपनर्स भी वही, आपकी बात बिल्कुल ठीक थी जब आपने कहा कि अगर इनमें से एक भी ओपनर इंजर हो जाता है इमाम और फखर में, आपके पास कोई भी बैकअप रेडी नहीं है, विच इज वाई आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी एट्रोसिटी है इन टर्म्स ऑफ टीम सिलेक्शन, क्योंकि आपने बहुत सेफ खेला है एंड दिस वॉज अ सीरीज इन विच यू हैड दैट लीवे टू एक्सपेरिमेंट, तो अब आप वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे। और टीम के बैलेंस की भी आपने बात की, कोई क्लैरिटी है नहीं और जो सबके रोल्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। नाउ शादाब खान ही तो हम इन थ्योरी कह रहे हैं एज अ फ्लोटर उनको प्रमोट किया जाए, मगर इवन इन दैट ओडीआई वर्सेस द वेस्ट इंडीज वो प्रमोट तो नहीं हुए थे। तो इस तरह की कुछ चीजें मैं देखना चाहूंगा पाकिस्तान क्रिकेट से। और लास्टली आपने बात की थी एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर की, तो ये एक शायद ऐसा मौका था जहां पे फहीम अशरफ की वापसी देखी जा सकती थी टीम में, स्पेशली क्योंकि ड्यू टू अ स्ट्रिंग ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंसेस हसन अली को ड्रॉप किया था, जो अपनी जगह पे ठीक है, आपके पास उसी यूटिलिटी के एक और प्लेयर तो है नहीं, तो उनको रिप्लेस करने के लिए तो कोई एज सच आया नहीं। अब नसीम शाह ने बेशक छक्के लगा दिए कुछ श्रीलंका के अंदर और अपनी सॉलिड डिफेंस भी दिखा दियो, उनको आप ऑलराउंडर के तौर पे तो नहीं खिलाएंगे ना, तो वहां पे शायद फहीम अशरफ खेल सकते थे, शायद वसीम जूनियर को वो फ्रीडम दी जाए कि अब आप एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और आपने जाकर थोड़ा सहारा देना है बैटिंग का नीचे लोअर ऑर्डर में। सो आई वुड लव टू सी दैट। बट हसन भाई, एक आखिरी जाते जाते सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि काफी पेसर्स हैं ऑन टूर, यू हैव दहानी, यू हैव हारिस राउफ, यू हैव नसीम शाह, आपके पास वसीम जूनियर भी हैं, क्या कॉम्बिनेशन देख रहे हैं आप, किन को खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए और कितने स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जाहिद महमूद भी आपके पास स्क्वाड में है मगर नवाज और शादाब के होते हुए शायद उनका टीम में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब देखिए ना, आपके पास खुशदिल भी है जो बॉलिंग करा सकते हैं, आपके पास आगा सलमान भी है जो बॉलिंग करा सकते हैं, तो क्या आपने कितने, आपके पास टेक्निकली देखा जाए तो फखर भी है जो बॉलिंग करा सकते हैं, तो आप कितने स्पिनर्स लेके जाएंगे? तो बहुत जरूरी है। आई वुड रियली लाइक, मैं कितने अरसे से आई थिंक ग्रास रूट क्रिकेट पे बहरा, मैं 2 साल से कह रहा हूँ, उससे पहले मैं 3 साल से कह रहा हूँ, आप कब जाहिद को मौका देंगे? आप जब उसे मौका देते हैं वो परफॉर्म करता है, आप उसको फिर निकाल देते हैं, ठीक है ना जी। आपके पास एक बड़ा मुख्तलिफ काइंड ऑफ स्पिनर है, वेरी डिफरेंट टू व्हाट शादाब ब्रिंग्स टू द गेम, और वो कंटिन्यूअसली विकेट्स ले रहा है सिंध के लिए, वो कंटिन्यूअसली विकेट्स ले रहा था पहले सदर पंजाब के लिए, वो जहां खेलता है विकेट्स लेता है, आप उसको रख लेते हैं, आप उसको खिलाते नहीं। तो जाहिद को स्पेशली अगर हम देखें कि हमारे जो एसोसिएट क्रिकेट टीम्स हैं उनकी स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी इतनी टॉप लेवल स्पिन देखी नहीं होती। तो मैं आपके फहीम वाले पॉइंट पे एग्री करूंगा, काश हम फहीम को लेके गए होते, जो कि एक जबरदस्त खिलाड़ी है, जो आपको इतना कंट्रोल देते हैं बॉल के साथ, इतनी एबिलिटी देते हैं बैट के साथ, चले नहीं किया। नवाज से हमारी उम्मीद रहेगी, नवाज रहेंगे। अब क्या आप 3 स्पिनर्स खिलाएंगे नेदरलैंड्स में? क्या आप शादाब, जाहिद और नवाज खिलाएंगे? अच्छा, अब शादाब अगर खेलेंगे हर मैच तो फिर जाहिद नहीं खेलेंगे। आप नवाज को आप सोचेंगे कि जी आप थोड़ी सी वैरायटी डाल रहे हैं, लेग स्पिन, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन, फिर जाहिद को आप फिर लेके जाएंगे और उनसे कहेंगे हाँ जी थोड़ा सा घूमे फिरे, कोई घर के लिए चीजें खरीदें और घर चले जाएं। कितनी ज्यादती है, ठीक है। पेस बॉलिंग में चले, नसीम का तो इंशाल्लाह हम डेब्यू देखेंगे, हारिस की पेस है, अब वसीम है और दहानी है, दोनों को खिलाएंगे तो ये 6 बॉलर हो जाते हैं, शादाब और नवाज को मिला के कितनों को मौका देंगे? दहानी को अगर लेके गए हैं और उनको ब्लड नहीं करेंगे ऐसी पिचेस पे, उनकी हिट द डेक काइंड ऑफ बॉलिंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वसीम जिस तरह आपने बताया कि उनके पास वो एबिलिटी है कि वो बैटिंग में भी रन बना सकते हैं, उनको अगर आप फ्रीडम दे के आप सिर्फ अपनी बॉलिंग की फिक्र ना करें, आप लोअर ऑर्डर में जाके रन भी बनाए, तो अब वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यही मैं कहूंगा कि ये आपने और मैंने पिछली बार भी बात डिस्कस की थी कि श्रीलंका के खिलाफ भी टेस्ट सीरीज में हम बहुत सेफ चले गए थे। हम बार बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सुनते हैं कि अब वो अटैकिंग अग्रेसिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहते हैं, बट फिर हम उसको ग्राउंड पे नहीं देखते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने इतनी डेड विकेट्स बनाई कि वो हमें ही उससे कोई फायदा नहीं हुआ कि हमारे पास इतने जबरदस्त पेस बॉलर्स थे, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, हमने उन्हीं को नलीफाई कर दिया और सारा प्रेशर हमने अपने स्पिनर्स पे डाल दिया। तो अगर हमने अटैकिंग अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है बहरहाल, फिर हमें अपना माइंड सेट सबसे पहले बदलना पड़ेगा। हमें, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बैस बॉल को कॉपी करना है या किसी और बॉल को कॉपी करना है, हमने पाक बॉल बनाना है और हमने अपनी क्रिकेट खेलनी है, और उसके लिए अटैकिंग क्रिकेट बहुत जरूरी है, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो टीमें इतनी ज्यादा ग्राउंड से बाहर शॉटें नहीं मार रही और विकेट्स नहीं ले रही, उनको फायदा नहीं हो रहा। अब हम वो 90s वाली, बल्कि 2010s वाली, क्या 2020 वाली अप्रोच भी नहीं रख सकते,
जिस अप्रोच के साथ इंग्लैंड पिछला वर्ल्ड कप जीता था, आई थिंक आपको अब वो वाली अप्रोच भी आगे जाके नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अब ये जो इश्यूज हैं इनको देखना पड़ेगा, और हमारी माइंडसेट की गेम है नेदरलैंड्स के खिलाफ। अगर पहले बैटिंग करके आप हर मैच में 500 का नहीं प्लान कर रहे तो बहुत बड़ी ज्यादा देखिए, दूसरी टीमों ने तो दिखा दिया ना आपको करके, आपके पास क्या एक्सक्यूज है ना करने का। तो अगर आप वो नहीं कर रहे, और बिल्कुल आई वुड रादर आप ही की तरह कि अगर खुदा ना खास्ता हम हार जाते हैं एक मैच, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हो, एक्साइटिंग ट्राई करते हो, वो बेहतर है कि अगर हम वही क्रिकेट खेल के तीनों मैचेस जीत के अपने आप को कह देते हैं कि चले जी बड़ी अच्छी बात है हमने नेदरलैंड्स को हरा दिया। तो आई वुड से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नेदरलैंड्स के अपने प्लेयर शायद हमें हराने का उस तरह ना सोच रहे हो, वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे होंगे, और हमें उनको बिल्कुल लाइट नहीं लेना चाहिए। मैं उनके आखिरी मैचेस देख रहा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उनके पास कुछ एक्साइटिंग यंग प्लेयर्स हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जान लगाते हैं। तो जरूरी है कि हम इस तरह प्लानिंग करें कि हमें अग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलनी चाहिए बहराम पाकिस्तान को, जो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलना चाहते हैं आज से एक साल बाद। अगर वो नहीं खेल रहे, इसको सिर्फ शॉर्ट टर्म छोटे अरसे के लिए देख रहे हैं, तो फिर किसी का फायदा। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है हसन भाई, एंड स्पेशली इस तरह की सीरीज में जहां पे आपकी जो क्वालिफिकेशन है फॉर द नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला, वो अंडर एनी थ्रेट नहीं है, वहां पे आप अफोर्ड कर सकते हो एक आधा मैच हारना। सो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सेफ चली गई है पाकिस्तान। मगर आपने बात की अप्रोच की, वहां पे मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, क्योंकि आई थिंक अप्रोच बदली जा रही है। What we saw versus Australia, what we saw versus West Indies, Pakistan chasing 350 odd, और पहली इनिंग्स में भी 300 से ऊपर ही हमेशा स्कोर इस तरह कम अज कम लेकर जाने की कोशिश। मेरे ख्याल से आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश तो कर रहे हैं बाबर आजम टू इन्फ्यूज दैट सॉर्ट ऑफ माइंड सेट विद इन द टीम, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर टाइम की किल्लत है, टाइम ज्यादा है नहीं, तो इनको इस सीरीज के अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करनी चाहिए। मगर अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि करेंगे या नहीं। बात आपने की जाहिद महमूद की, तो हसन भाई यस, जाहिद शुड गेट गेम्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो खेले भी थे 3 मैच ओडीआई सीरीज, मगर फिर वही बात आ जाती है कि अगर शादाब खान फिट एंड अवेलेबल हैं और वो वैसे ही टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, तो उनको तो सारी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान की, देयर इज नो एक्सक्यूज ओवर देयर। मगर यस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस हैंगिंग ओवर सकलेन मुश्ताक एंड बाबर आजम्स हेड, देयर इज अ बिग क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड लैक ऑफ क्लैरिटी, जिस तरह आपने बात की। और वक्त ही बताएगा कि वर्ल्ड कप तक क्या पाकिस्तान ये सब चीजें फिगर आउट कर सकता है, किस कॉम्बिनेशन से जाना है और क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, कितना डायनामिक रखना है बैटिंग ऑर्डर को, क्योंकि खुशदिल शाह जैसे पिंच हिटर को मैं चाहता ही नहीं हूं कि ऊपर लाया जाए कि वो इनिंग्स बिल्ड कर सके। मैं चाहता ही यही हूं कि वो एंड में आए और वो काम करें जिनके लिए उनको टीम में रखा हुआ है। तो ये रोल क्लैरिटी की बात आपकी बहुत दुरुस्त थी और मैं आपकी इन सारी बातों से ज्यादातर सहमत हूँ। इट्स जस्ट दैट अप्रोच बिट हसन भाई, जो मेरे हिसाब से काम उस पर चल रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे इसके अंदर बदलाव इंशाल्लाह। चलें ख्वातीनों हजरात, उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। हमें जरूर कॉमेंट्स में बताना कि आपको उर्दू ज्यादा बेहतर लगती है कि अंग्रेजी। अंग्रेजी का रखने का मकसद ये था कि हमारी ऑडियंस थोड़ी ज्यादा ग्लोबल हो जाए और दुनिया भर से लोग ग्रास रूट क्रिकेट को फॉलो करें। बट ऑफ कोर्स आवर नंबर वन प्रायोरिटी आर ऑल ऑफ यू फैंस इन पाकिस्तान। और कमेंट्स में हमें अपनी राय भी देना कि आपके हिसाब से क्या टीम सेलेक्ट होनी चाहिए थी और इस सीरीज के अंदर क्या पाकिस्तान 3-0 जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा। वैसे आसिफ भाई आप बताएं, जीत पाएगा इंशाल्लाह, क्लीन स्वीप। और अब जब खुदा ना खास्ता ना हुआ तो सब मुझे ब्लेम करेंगे, पर ठीक है। और मैं बिल्कुल बैराम के साथ ऐड करूंगा कि देखें, आप जो आप चाहते हैं हमारी वही कोशिश होती है, हम आपके लिए लेके आए ग्रास रूट क्रिकेट पे। तो हम अपनी रीजनल जबानों को भी कोशिश हमेशा करते हैं प्रेजेंट करने के लिए। अंग्रेजी ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल जबान है, क्रिकेट की इंटरनेशनल जबान है। तो बिल्कुल आप हमें बताएं अगर आपने ऐसे ज्यादा कुछ देखना है। और प्लीज ये आपसे फिर से एक दफा गुजारिश है कि बहुत सारे लोग देखते हैं, बट आपका लाइक सब्सक्राइब और वो बेल आइकॉन को दबाना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता लगे कि हमें आपकी सपोर्ट मिल रही है। और जब भी हम कोई कुछ कंटेंट बनाते हैं, जो बैराम बड़ा जबरदस्त कंटेंट बना रहा होता है सारा वक्त ऑन द गो, तो वो आपको जल्दी से पहुंच जाए। जी बिल्कुल, और जैसे कि हसन भाई ने कहा, गो लाइक दिस वीडियो, शेयर करें इसे, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें। अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं और हम क्रिकेट कवरेज का जो लैंडस्केप है पाकिस्तान में उसको बदलना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी लाना चाह रहे हैं, सेंसेशनलिज्म से दूर जाना चाह रहे हैं और फोकस वापस क्रिकेट की तरफ लाना चाह रहे हैं। सो प्लीज सपोर्ट अस, और जल्द अज जल्द हम आपको फिर से मिलेंगे क्रिकेट महफिल पे। अब के लिए इतना ही, बाय बाय।